नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में एक आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। इनके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा था, जिस पर वे 12 जुलाई को पटना पहुंचने वाले थे। हमले के लिए पीएम के दौरे से 15 दिन पहले फुलवारी शरीफ में संदिग्ध आतंकियों की ट्रेनिंग भी हुई थी। वहीं पर छापा मारकर संदिग्धों को पकड़ लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों कथित आतंकवादियों में एक झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन और दूसरा अथहर परवेज है। अथहर परवेज पटना के गांधी मैदान में हुए बम धमाके का आरोपी मंजर का सगा भाई है। पुलिस ने बताया कि दोनों संदिग्ध आतंकवादियों के तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई से जुड़े हैं। पुलिस ने इन दोनों के पास से पीएफआई का झंडा, बुकलेट, पैम्पलेट और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं, जिसमें भारत को 2047 तक इस्लामिक मुल्क बनाने का जिक्र किया गया है। पुलिस ने बताया कि ये दोनों संदिग्ध आतंकवादी पिछले कुछ समय से पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में आतंक की पाठशाला चला रहे थे। पुलिस के मुताबिक अतहर परवेज मार्शल आर्ट और शारीरिक शिक्षा देने के नाम पर मोहम्मद जलालुद्दीन के एनजीओ चला रहा था। जानकारी के मुताबिक अतहर ने 16,000 रुपए किराए पर मोहम्मद जलालुद्दीन के कुलवा शरीफ स्थित अहमद पैलेस नया टोला इलाके में फ्लैट किया था नया टोला इलाके में फ्लैट लिया था जहां से वह देश विरोधी मुहिम चला रहा था। बताया जा रहा है कि अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन दोनों एनजीओ के नाम पर आतंकी फैक्ट्री चला रहे थे और उनका मुख्य उद्देश्य हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काना था। मुस्लिम नौजवानों को ये दोनों अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग दिया करते थे और फिर राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर पीएफआई और एसडीपीआई के सक्रिय सदस्यों के साथ बैठक में हिस्सा लिया करते थे। दोनों संदिग्ध आतंकी सीमी के पुराने सदस्य जो जेल में बंद है उनकी जमानत करवाता था और उन्हें आतंकी ट्रेनिंग भी देता था। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।